So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question was that evaluate the economic relations as a part of the social organization. So first of all, try to understand the question. Question kya hai apko? Usko ki koshish Okay. सो ऑर्गेनाइजेशन इकॉनमिक रिलेशन या फिर इकॉनमिक ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक सब पार्ट की तरह या फिर एक पार्ट की तरह डिस्कस करना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि आपने इन इस चीज़ को ये जो नेरेटिव है इकॉनमिक एंथ्रोपोलॉजी का ठीक है दिस इज़ वन ऑफ द नेरेटिव दिस इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट वो कंसेपच्चुअल लाइन ऊपर दी हुई है इस नरेटिव को आपने इवेल्युएट करना है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर इसकी और भी साइड्स हैं इन चीजों को आपने इवेलुएट करना है इन चीजों का आपने आंकलन करना है ओके सो यू हैव टू इवेलुएट दैट द इकोनॉमिक रिलेशन दे आर अ पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा कंप्लेक्स होता है और जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक सब पार्ट होता है सो इफ यू आर वांटिंग टू स्टडी द इकोनॉमिक रिलेशंस अगर आप इकोनॉमिक रिलेशंस को पढ़ना चाहते हो इकोनॉमिक रिलेशंस को स्टडी करना चाहते हो यू हैव टू स्टडी द होल सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पूरी पूरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमिक रिलेशंस को होलिस्टिकली पढ़ना चाहते हो बिकॉज इकोनॉमिक रिलेशंस दे आर अ पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओके सो दिस वाज़ द क्वेश्चन तो इस नोशन को आपने स्टडी करना है इस एस्पेक्ट को आपने स्टडी करना है ओके okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट आया था ये जो होलिज्म और पार्ट वाला ये जो कंसेप्ट आया था इट वाज गिवन बाय मलिनवस की ठीक है इन दी दर्गोनाट्स ऑफ द पैसिफिक उसमें उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने कुलारिंग दिया था कुलारिंग के सहारे उन्होंने इस तरह से बताया था कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द बिगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कि इफ यू वांट टू स्टडी इकोनॉमिक्स ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ कल्चर देन यू हैव टू स्टडी द होल सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द इकोनॉमिक रिलेशंस द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओके वाई द इकोनमिक रिलेशन एग्जिस्ट बिकॉज देर इज नीड उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती है इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं कुलारिंग में इसी कुलारिंग क्यों है आपके पास इट इज अ सेरिमोनियल एक्सचेंज ठीक है कुलारिंग एक सेरिमोनियल एक्सचेंज होती है इस सेरेमोनियल एक्सचेंज का जरूरत क्या होती है सेरेमोनियल एक्सचेंज की नीड क्या होती है इट इज टू री इन्फोर्स और टू स्ट्रेंथन सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल गठबंधन है उन आइलैंड्स का उनके जो सोशल रिलेशंस हैं आई वांट से सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत कुछ आ जाता है सोशल रिलेशंस को ये री करता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है एंड इट इज पीरियोडिक और ये चलता रहता है सेरिमोनियल एक्सचेंज रहता है ये बिकॉज इट इज सेमोनियल एक्सचेंज इट डेव एनी इकोनॉमिक वैल्यू अगर आप कुल रिंग को एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह समझने बैठ जाओगे तो कहोगे कि यह तो अंधविश्वास है ये तो वैसे ही पता नहीं क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ठीक है देन यू विल कॉल इट अ न्यूसेंस बट नो इट इज एन इकोनॉमिक रिलेशन एज अ पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दोशल ऑर्गेनाइजेशन इट एक्सिस्ट बिकॉज देयर इज़ ए नीड ऑफ इट ठीक है सो दिस वॉज द व्यू ऑफ मलिनोसकी ये मलिनोसकी का व्यू था देन आपके पास आते हैं कार्ल पोलियानी कार्ल पोलियानी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन उनकी किताब है नाइनटीन फिफ्टी सेवन में उन्होंने ये किताब लिखी थी और उसमें ये जो आपका व्यू है ये जो आपका नोशन है ये सब्सेंशलिज़म का जो नोशन है इसको वो सामने रखते हैं कि जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कैसे प्रोडक्शन होगा कैसे उसकी कंजप्शन होगी ये एक परमेटिव सोसाइटी में अलग तरह से डिसाइड होगा और एक वेस्टर्न सोसाइटी में अलग तरह से डिसाइड होगा वेस्टर्न सोसाइटी में जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं समटाइम्स दे कैन बी सीन एज इंडिपेंडेंट वहां पे आप काम करते हो क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्शन अपनी कंजप्शन को मैक्सिमाइज करना होता है एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो आप उसी तरह से वहां पे रिएक्ट करते हो उसी तरह से आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनती है बट इन परमिटिव सोसाइटीज बट इन परमिटिव कल्चर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्निंग पार्ट उसके पास गवर्नेंस होता है इकोनॉमिक रिलेशंस का द सोशल सिस्टम इज द गवर्निंग पार्ट द आइडियोलॉजी इज द गवर्निंग पार्ट ओके सो ये आपके पास कार्ल पोलियानी का व्यू था सो so, दोनों व्यूज के साथ ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ठीक है आई वुड से यू शुड इंट्रोड्यूस विद मलिनोर्स की कि की ने सबसे पहले आर्गोनॉट्स ऑफ द पैसिफिक में ये जो आपका व्यू है दैट द इकोनॉमिक रिलेशंस दे शुड बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये वाला जो व्यू है उन्होंने सामने रखा बिकॉज जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं जो सेरिमोनियल एक्सचेंजेस होती हैं वो आपका जो एक नीड होती है सोसाइटी में सोशल बॉन्डिंग की उसको वो फुलफिल करते हैं देन राइट द कार्ल पोलियन Uh, जो अगला आपका व्यू होगा या फिर अलग अगला आपका आर्गूमेंट होगा इसके फेवर में क्योंकि आपने एवेल्युएट करना है कि इकोनॉमिक रिलेशन कितना पार्ट होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है इसका आप आपने इसका आंकलन करना इस, इस का. तो उन उनमें उन्होंने इकोनॉमिक रिलेशन को एक अलग तौर से भी रखा कि इन वेस्टर्न सोसाइटीज यू कैन सी द इकोनॉमिक रिलेशन विस एज अ कि आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द कंजप्शन बट इन दर्मिटिव सोसाइटीज दिस इज नॉट द केस ओके द इकोनॉमिक रिलेशन दे आर अ पार्ट ऑफ द बिगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इज आई एम सॉरी एंड द बिगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इज दी गवर्निंग पार्ट ओके सो देन अ सोसाइटीज लिवलीहुड फिर उसके बाद इन्हीं चीजों को आप आगे अपनी भाषा में लिख दीजिए ठीक है अ सोसाइटीज लिवलीहुड स्ट्रेटर्जी इट इज सीन एज एन एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट मटीरियल कंडीशंस अ प्रोसेस विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ठीक है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना या फिर कंजप्शन को मैक्सिमाइजेशन करना इट इज नॉट ऑलवेज द केस बट रादर देर इज एन इन्वायरमेंटल कंडीशन देर आर देर आर सम मटीरियल कंडीशन देर आर सम देर आर सम ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस उन विच द इकोनॉमिक रिलेशन आर आर अडेप्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है तो इस तरह से आप अपनी भाषा में चीजों को लिख सकते हो And then try ट्राई टू गिव सम द व्यूज और सम ऑफ द एथनोग्राफिक examples फॉर दिस व्यू तो इस व्यू के लिए कुछ एथनोग्राफिक एग्जांपल्स आप दे सकते हो बहुतों ने होपी इंडियंस का एग्जांपल दे रखा था ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रॉम द इंडियन व्यू पॉइंट यू हैव दाइजर एग्ज़ाम्पल जजमानी सिस्टम वाइजर का एग्जाम्पल दीजिए जजमानी सिस्टम का वाइज़र का भी यही कहना था कि जो सेरेमोनियल सिस्टम्स हैं जो जो आपके पास सोशल लॉस है जो आपके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मच मोर इन स्ट्रेंथ देन द इकोनॉमिक रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी इन इंडिया ठीक है तो इंडिया का एग्जाम्पल दीजिए इंडिया के विलेज सिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए देन कुला एक्सचेंज का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉटलैश का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ठीक है रादर देन स्टोरिंग दोज आइटम्स दे आर डिस्ट्रॉइंग दैम ठीक है कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं उन आइटम्स को राधर देन स्टोरिंग दैम रादर देन प्रोड्यूसिंग दैम राधर देन कंज्यूमिंग दैम ठीक है इन द बिगर फीस द आइटम्स आर डिस्ट्रॉयड तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आप दे सकते हो ठीक है टू सबसेंश यूर पॉइंट देन अब तो ये तो है कि आपने फॉर चीजें लिख दी कि इस स्टेटमेंट के फॉर क्या क्या चीजें हैं ठीक है मलिनोस्की का पॉइंट लिख दिया इट इज फॉर दिस स्टेटमेंट कार्ल पोलियानी का लिख दिया अपना व्यू बता दिया होपी इंडियंस जो एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स हैं वो आपने दे दी नाउ द अदर व्यूज बाकी जो व्यूज हैं नाउ द मैरविन हैरिस मैरविन हैरिस का क्या व्यू है उन्होंने कंसेप्ट दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ये उनका कंसेप्ट था इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज़ असेंशली द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ से होगी भाई टेक्नोलॉजी से होगी आपकी कि कैसे आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है और इन्हीं चीजों के ऊपर आपका स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं फैमिली आ जाती है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ठीक है तो स्ट्रक्चर में उन्होंने आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका ही उन्होंने एक पार्ट माना है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है देन यू हैव द सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं रिलीजन ठीक है रिलीजन रिलीजन दो तरीके से देखा जाता है भाई यहां पे भी बहुतों को कंफ्यूजन रहता है रिलीजन के दो आस्पेक्ट होते हैं एक होता है इसका ऑर्गेनाइजेशनल आस्पेक्ट एक होता है इसका आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट जो आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट है वो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है जो ऑर्गेनाइजेशनल आस्पेक्ट है वो आपके पास स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है ठीक है तो यहां पे भी बहुतों को कंफ्यूजन रहता है तो ये भी आप कंफ्यूजन दूर कीजिए ठीक है यहां पे आप आइडियोलॉजी सुपर स्ट्रक्चर में आइडियोलॉजी आ जाती है ये मेरविन हैरिस का व्यू है ठीक है कि योर सोशल स्ट्रक्चर योर इकोनॉमिक रिलेशंस दे आर द अडेप्टिव स्ट्रेटर्जी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस के ऊपर बनते हैं जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा आपके सोशल रिलेशन बदल जाएंगे आपके इकोनॉमिक रिलेशन भी बदल जाएंगे ठीक है देन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ दाइट जो आपके पास कल्चरल कोर का कंसेप्ट है वाइट का वाइट सीज द इकोनॉमिक रिलेशन वो इकोनॉमिक रिलेशन को एज एन अडेप्टेटिव स्ट्रेटी देखते हैं इन्वायरमेंट के साथ कि जैसे आपके एनवायरमेंटल कंडीशन बदलते हैं वैसे ही आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोनों बदलती हैं सो so, वाइट क्या करते हैं इकोनॉमिक्स को सोसाइटी का एक पार्ट नहीं बनाते हैं रादर सोसाइटी के इक्वल रख देते हैं वो ठीक है थ्रू द मीडियम ऑफ कल्चरल कोर्स व द रेमेंट फिर्थ रेमेंट फिर्थ क्या कहते हैं दैट द रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी दे कैन बी अप्प्लाइड इन समा कंडीशन ठीक है टोकोपिया की सोसाइटी में हम लगा सकते हैं हर्कोविट्स वो भी ये कहते हैं दैट इन द वे ऑफ वेस्टर्नाइजेशन यू कैन हैव समेस्टर्न रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्शन परमिटिव सोसाइटीज आप उन चीजों को लगा सकते हो दे ऑल्सो वर्क फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ओके सो इस तरह से आपने चीजों का आंकलन करना है एंड देन यू हैव टू कंक्लूड फिर आपको कंक्लूड करना है. किस तरह से भाई कंक्लूड करोगे दैट यूर इकोनॉमिक कंडीशन दे आर एन अडेप्टेटिव स्ट्रैटर्जी टू टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स टू इन्वायरमेंट टू आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो एवरी सोसाइटी इट शुड व्यूड इंडिपेंडेंटली हर एक सोसाइटी को इंडिपेंडेंटली व्यू करना चाहिए ओके क्योंकि इकोनमिक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं मान सकते यह अलग भी होती है साथ में भी होती है रादर इट इज एन एडेप्टेटिव स्ट्रेटर्जी विस विसा विस इनवायरमेंट okay. विस विस टेक्नोलॉजी ओके विस विस योर हिस्टोरिकल फैक्टर्स सो देर आर इनॉर्मस फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी तो इस तरह से इसको आपने करना था ठीक है मैनी ऑफ यू दैट है दिस आंसर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आंसर में लिखना क्या था ठीक है तो कुछ भी जो दिल में आता रहा उन, उनके वो लिखते रहे तो ऐसा नहीं करना है प्रॉपरली ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए पहले देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है क्वेश्चन का कंटेक्सट क्या है इसका कंटेक्सट क्या, क्या था उस नोशन को उस एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के नोशन को जिसको आप भी कहते हैं तो उसको आपने आंकलन करना था कि वो कितना सही है दैट वॉज इट ठीक है आंकलन करते करते जो एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देनी थी okay? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन the economic एंथ्रोपोलॉजी इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था सब कुछ बढ़िया लिखा है सबने एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं होपी इंडियंस का एग्जाम्पल भी दे दिया और भी बहुत सारे कुला का एग्जाम्पल भी दे दिया पॉटलैच का एग्जाम्पल भी कईयों ने इसमें लिख दिया ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ गए दो चीजों की कमी रह गई देखिए इस क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इसका जो दो मेन सॉरी तीन इसके मेन फीचर्स हैं, या फिर तीन इसके मेन पार्ट्स कह लो द फर्स्ट पार्ट इज इट्स इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी जो डेफिनेशन आई वॉन्ट से इंट्रोडक्शन जो पहला है इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइन कीजिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है एंड प्रेफरेबली राइट वन और टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेफिनेशन ठीक है जैसे फिर्थ की नेश की ये जो डेफिनेशन हैं आपको दिखाई दे रही हैं द सेकेंड पार्ट इज द एथनोग्राफिक रियलिटीज एथनोग्राफिक रियलिटीज़ उसमें होपी इंडियंस, जजमानी सिस्टम पॉटलैच कोला ये वाली जो हमने पहले की हैं चीज़ें वो की और बताइए कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है वो सच में एग्जिस्ट करती है यहाँ पे देन द थर्ड पार्ट इट इज़ द स्कोप एंड इट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो किसी ने भी प्रॉपरली नहीं लिखा है लोगों ने इसको लिखने की कोशिश की है लेकिन प्रॉपरली कोई भी नहीं लिख पाया एंड द फोर्थ थिंग दैट एवरी वन डिड एंड इट इज ऑल्सो एन असेंशियल कंक्लूज़न ठीक है कंक्लूड किया है कईयों ने कंक्लूड बहुत अलग अलग वे से किया है ठीक है लगभग सभी ने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है कईयों ने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को किस तरह से पॉलिसी uh, स्फियर में यूज़ करना चाहिए उसका सजेशन दे दिया कईयों ने वेस्टर्नाइजेशन के वेक में एंथ्रोपोलॉजी का बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंस वो लिख दिया ठीक है बोथ आर गुड कंक्लूजनस कंक्लूजन में आपने अपना ओपिनियन लिखना होता मेक श्योर दैट इट इज क्रिस्प इट इज टू द पॉइंट बस ये ध्यान में रखिए कंक्लूजन में बाकी सब कुछ बढ़िया ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दो पार्ट्स में आपने लैक किया है द फर्स्ट पार्ट इट इज डेफिनेशन द सेकेंड पार्ट इट इज स्कोप डेफिनेशन में ट्राई टू राइट द फिफ्थ फिफ्थ डेफिनेशन और ऐसा नहीं होता कि अगर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है मतलब आधे पैराग्राफ की स्टेटमेंट दे रखी है तो आपको सारी याद करनी होती है ट्राई टू लर्न सम की फ्रेजेस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन में कुछ की फ्रेजेस होते हैं उन की फ्रेजेस को याद करने की कोशिश कीजिए फॉर एग्जाम्पल फिर्थ का जो की फ्रेज है इट इज़ दैट द इकोनॉमिक दैट दी इकॉनमिक एंथ्रोपोलॉजी इट डील्स प्राइमरि विद द इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ दोशल रिलेटिव ठीक है तो ये इसका की फ्रेस है कि जो सोशल रिलेटिवस होंगे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंगी अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स क्या होंगे इसकी स्टडी को आप इकॉनमिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हो देन नेश नेश की डेफिनेशन द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इट एनालाइजेस द इकोनॉमिक लाइफ एज सिस्टम ऑफ द सोसाइटी ठीक है एग्जैक्टली द लाइन दैट आई हैव इन द प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है तो इस तरह से आप चीजों को लिख दीजिए सबसे पहले ट्राई टू डिफाइन थ्रू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है उन चीजों को डिफाइन कीजिए देन राइट योर then write in your own tongue or in own language. so you can say that the economic anthropology, it tries uh, <coughs> to study the economic organizations or the economic relations as a part of the whole culture and society. so it is a holistic study of the economic systems. फॉर एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल दे दीजिए जजमानी सिस्टम होपी इंडियंस दैट इज इट ठीक है फिर उसके बाद आइए स्कोप के ऊपर ठीक है सो आई वुड से दैट इट इज द डिस्क्राइबिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग द इकोनमिक लाइफ ऑफ ऑल पीपल इन द सोशल इन द सोशो इकोनॉमिक कंटेक्सट इन ऑल प्लेसिज एंड इन ऑल द टाइम्स तो इस तरह से लिख दीजिए सो इट इज अलिस्टिक स्टडी सो दिस इज द स्कोप फिर उसके बाद हम स्कोप के ऊपर आते हैं स्कोप में ट्राई टू राइट सब फील्ड्स और सब ब्रांचेस ऑफ दी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए फॉर एग्जांपल, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ दी सब सिस्टम्स ठीक है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द सब सिस्टम इसमें किन किन लोगों ने काम किया फोर्ड ने काम किया 1948 में अगर ये नहीं याद हो रहे मत याद करो विस्पल ने काम किया एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सब सिस्टम होती क्या है भाई यहां पे हम ये देखते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट में कौन सी जो सबसिस्टेंट सिस्टम है सबसिस्टेंट सिस्टम का मतलब फॉर एग्जांपल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हंटिंग एंड गैदरिंग कौन सा जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है ठीक है तो वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सबसिस्टेंस सिस्टम्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है हम उसको पढ़ते हैं उसको स्टडी करते हैं देन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री यहां पे हम एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन ने स्टडी किया था टाइलर ने स्टडी किया था व्हीलर ने स्टडी किया था ओके okay? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ परमिटिव इकोनॉमीज ये मलिनोस्की ने स्टडी की थी यहां पे हम होलिस्टिक स्टडी करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कुलारिंग स्टडी किया मलिनोस्की की ने. कि कुलारिंग क्यों होता है कुलारिंग को क्यों सेरेमोनियल सिस्टम की तरह से मानना चाहिए अगला क्वेश्चन मैंने वही डाला था और वहां पे भी स्लिप गए सभी देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द पीजेंट इकोनॉमीज हाउ पीजेंट मैनेज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पन नेश ने इंडिया में स्टडी की थी 1961 में ठीक है तो वो आप लिख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द अर्बन इकोनॉमीज, ठीक है अर्बन इकोनॉमीज में जो पीजेंट सोसाइटीज या फिर पीजेंट कल्चर्स या फिर आ, जो परमिटिव कल्चर्स अर्बन इकोनॉमीज से कैसे इंट्रैक्ट करती हैं ठीक है ग्रुक ने स्टडी किया था ग्लूकवान उन्होंने स्टडी किया था माइग वलंट्री माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन को अफ्रीकन टाउन्स में दैट हाउ द माइग्रेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द परमिटिव सोसाइटीज हाउ दे आर अडेप्टिंग टू द टाउन और द अर्बन सोसाइटीज हाउ देयर हाउ चेंज ऑफ देयर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इट इज फेक्टिंग द सोशल रिलेशन ये सब कुछ हम कहा पर स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अर्बन इकोनोमीज में स्टडी करते हैं देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ऑटरप्रोनोरशिप ये आपके पास फिर्थ ने बताया ठीक है दैट हाउ द ऑटरप्रोनोरशिप और हाउ द प्रोडक्शन सिस्टम्स इट वॉज स्टार्टेड बाई फिर्थ ओके सो हाउ द प्रोडक्शन सिस्टम्स दे आर स्टार्टेड इन दी परमिटिव सोसाइटीज प्रोडक्शन सिस्टम्स कैसे शुरू होते हैं इसकी स्टडी स्टार्ट की थी फिर्थ ने ठीक है सो देन बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी दे आर सम ऑफ द मॉडर्न ब्रांचेस एनी वेबर का आप एग्जांपल दे सकते हो सो बिजनेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे आई वुड अ एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड बर्गर्स हर एक सोसाइटी में हर एक कंट्री में अलग अलग होते हैं ठीक है इंडिया वाला मैकडोनल्ड बर्गर अमेरिका में नहीं बेचा जाएगा वाई बिकॉज दे हैव अ टीम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो कि ये देखते हैं कि कौन सी सोसाइटी के कौ, कौन सा कौन से कल्चर को कौन सा टेस्ट पसंद है और उस टेस्ट के हिसाब से वो कंज्यूमर मार्केट्स डिज़ाइन करते हैं सम कॉरपोरेट्स कुछ कॉरपोरेट्स के लिए ठीक है वो स्टडी करते हैं आपके कल्चर को ताकि आपकी जो चॉइसेस हैं उनको जज किया जा सके और उन चॉइसेस के ऊपर जो प्रोडक्शन डिजाइन हैं उस प्रोडक्शन हाउस के उनको बनाया जा सके क्योंकि कंज्यूमर तो आप ही हो ना ठीक है यहां पे आ जाती है बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी दैन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही बिजनेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी सरकार को बताते हैं दैट हाउ यू शुड गो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज आपको अपनानी चाहिए कौन कौन से इनिशियेटिव लेने चाहिए ठीक है सो so, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया तो इस तरह से दिस इज द स्कोप स्कोप का मतलब है सब ब्रांचेस तो आपको सब ब्रांचेस लिखनी है आपको स्कोप लिखना है ठीक है और सब ब्रांचेस को अगर समझा सकते हो अगर ये पंद्रह नंबर का क्वेश्चन होता बीस नंबर का क्वेश्चन होता आई वुड से कि एक एक लाइन लिख के आप साथ के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ का नाम लिख के कन, मतलब समझा देते बट नाउ दिस क्वेश्चन इट इज जस्ट ऑफ टेन मार्क्स दस मार्क्स का क्वेश्चन है सो जस्ट राइट बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी पार्ट नंबर वन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस पॉइंट पॉइंट लिखते जाइए छः सात लिख दीजिए छः लिख दीजिए पांच लिख दीजिए बट इनका नाम जरूर लिखिए ठीक है।, है इंटायर जो एक पूरा सेगमेंट गायब होता है ना वो चीज एग्जामिनर को ज्यादा खटकती है या फिर इन चीजों को गायब करके कुछ भी चीजें लिख रहे हो जो कईयों के तो ये आंसर्स ऐसे आते हैं कि जो इंट्रोडक्शन में लिखा होता है उनको घुमा घुमा के अपनी लैंग्वेज में पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री बना देते हैं पहला पॉइंट नंबर वन पैसिव वॉयस में चलता है दूसरा एक्टिव वॉइस में हो जाता है भाई ऐसा नहीं करना है ये सिर्फ इरिटेशन कॉज करते हैं नंबर नहीं मिलते इससे ओके सो दिस इज हाउ यू शुड राइट ओके okay. ये जो तीन चीजें हैं ये जो मैंने तीन प्रोमिनेंट एलिमेंट्स बताए हैं वो यहां पे जरूर लिखने हैं देन एक्सप्लेन द कु रिंग एज अ सेमोनियल एक्सचेंज यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है क्वेश्चन कुलारिंग के ऊपर है या फिर सेरिमोनियल एक्सचेंज के ऊपर है पहले इस चीज को देखिए क्वेश्चन का जो मेन फोकस है क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है दैट इज दिमोनियल एक्सचेंज सेमोनियल एक्सचेंज को ही आपने डिस्क्राइब करना है विसाविस कुलारिंग कुलारिंग एक सेमोनियल एक्सचेंज का सिस्टम है इस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है सो व्हाट इज अ सेमोनियल एक्सचेंज इट इज अ काइंड ऑफ द सोशल सिस्टम इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कईयों ने सिर्फ गुड्स लिखे हैं सर्विसेज भी होती हैं इसमें आर गिवन टू द रिलेटिव्स फ्रेंड्स और नेबर्स ऑन द वेरियस सोशल ओकेजन लाइक बर्थ रिचुअल्स मैरिज डेथ रिचुअल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये क्यों दिए जाते हैं ताकि सोशल रिलेशन कायम रहे कूलरिंग क्यों किया जाता है यहां पे मैं कूलरिंग लिख लेता हूं कूलरिंग क्यों किया जाता है ताकि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल रिलेशंस हैं वो मेंटेन्ड रहें तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप वहां पे जरूर जाते हो उनके घर में खाना खाते हो तो आपके जो पहले पहले जनरेशन के जो सोशल रिलेशन होते हैं अगली जनरेशन में वो री होते हैं अगली जनरेशन जाके मिलती है उनसे कि हाँ ये हमारे दादा को जानते थे ये हमारे बाप को जानते थे ठीक है तो ये जो आपके आप, पास एक सोशल रिलेशंस की कंटिन्यूटी है ये बनी रहती है सेरिमोनियल एक्सचेंजेस में भी यही होता है ओके देन मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कुलारिंग में भी विद द हेल्प ऑफ सोशल रिलेशंस, दे ट्राई टू मेंटेन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्पेसिफिकेशन आप बहुत बढ़िया से लिख रहे हो जो भी सुलावा, ये सारा कुछ कौन सी कईयों ने बहुत अच्छी डायग्राम भी बना रखी है आइलैंड्स भी बना दिए थे बट जब तक क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं होती आइलैंड के नंबर नहीं मिलते बहुत बढ़िया डायग्राम सबके एकदम चकाचक बट क्वेश्चन की डिमांड नहीं पूरी की वहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड पहले पूरी कीजिए देन स्टार्ट ऑर्नामेंटेशन ठीक है दीज आर द वैल्यू एडिशंस ऑर्नामेंटेशन करते हो बहुत अच्छी बात है बट वैल्यू वैल्यूडिशन हैं ये सारी की सारी चीज़ें देन रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप लेते हो वो वापस भी करनी पड़ती है कुलारिंग में भी यही होता है कि वो अपने पास कोई भी जो उनका आर्टिकल आता है कुला मतलब कोई भी आपके पास जो आर्टिकल है वो आता है उसको आप आगे लेके जाते हो ठीक है ताकि वो जो चीज़ है वो उनके पास वापस पहुंच जाए जहाँ से आई थी ठीक है तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग सेरिमोनियल एक्सचेंजेस में भी यही चीजें होती हैं ठीक है कोई भी कपड़ा कुछ भी होता है कोई भी आइटम होती है यू हैव टू रेसिप्रोकेट इन द सम वे और दर इधर डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन होती है और इनडायरेक्ट रेसिप्रोकेशन होती है ठीक है तो आपको वो चीज़ें अगर कुछ लिया है तो आपको देना भी पड़ता है तो वही आपके पास कूलारिंग में भी होता है देन देर आर सम रिचुअल आस्पेक्ट कुलारिंग में भी यही आस्पेक्ट दिखाई देते हैं जब विजिटर्स आते हैं तो फीसट ऑर्गेनाइज की जाती हैं रिचुअल्स ऑर्गेइज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मैजिक ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है सॉसर्स को बुलाया जाता है प्रीस्ट को बुलाया शमन को बुलाया आई वॉन्ट से सॉसर्स रादर शमन को बुलाया जाता है ओके okay? दीज फोर थिंग्स देवर गिव गिवन बाय साहलिंस तो साहलिंस ने ये जो चार चीजें हैं ये दी थी सेरेमोनियल एक्सचेंज की और यही जो चार चीजें हैं ये मलिनोस की कुलारिंग में भी दिखाई देती हैं तो so, कुलारिंग को सेरेमोनियल एक्सचेंज कह सकते हो आप और यही आपका क्वेश्चन था ठीक है आपने कुलारिंग को एक्सप्लेन करना था एज अ सेरिमोनियल एक्सचेंज दैट वाज इट ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई विल फॉर श्योर ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी एज अर्ली एज पॉसिबल थैंक यू वेरी मच